नमस्ते दोस्तों, हेल्थ फर्स्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाला है स्ट्रेस की, क्योंकि स्ट्रेस से आजकल हर कोई परेशान है। मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस आखिर क्या होता है और हम कुछ आसान उपाय करके इस स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हम एक क्विक रिव्यू भी करेंगे जो होगा सुनोवा के एंटी स्ट्रेस कैप्सूल का, जो स्ट्रेस को दूर करने वाली ही एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई कैप्सूल है। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे आप आने वाली सभी नई वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे और आपको सेहत से जुड़ी सभी सच्ची जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। आप मुझे लेटेस्ट अपडेट्स और पर्सनलाइज सवालों के लिए सोशल मीडिया हैंडल यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, आजकल स्ट्रेस और डिप्रेशन ये दो शब्द हर किसी के डिक्शनरी में जगह बनाए बैठे हुए हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि वात दोष के असंतुलन से स्ट्रेस और डिप्रेशन को बढ़ावा मिलता है। स्टूडेंट के लिए एग्जाम का स्ट्रेस, किसी व्यक्ति को जॉब का स्ट्रेस, बढ़ती हुई महंगाई आदि यूनिवर्सल प्रॉब्लम को लेकर छोटे छोटे सवाल, आशंकाएं स्ट्रेस का कारण हो सकती है। छोटी छोटी बातों से होने वाली घबराहट, सांस फूलना, भूख बिल्कुल ना लगना या फिर ज्यादा खाने की इच्छा होना, बार बार अपचन होना या फिर शौच जाने की इच्छा होना आदि लक्षण स्ट्रेस के हो सकते हैं। और कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को ये न्योता देते हैं, जैसे डिप्रेशन और इससे आने वाले बहुत सारे मानसिक रोग या फिर ब्लड प्रेशर, स्किन एक्जिमा जैसी शारीरिक बीमारियां भी स्ट्रेस का कारण हो सकती है। तो वैसे देखा जाए तो कम मात्रा में स्ट्रेस लेना यानी कम मात्रा में अपनी बॉडी और माइंड को स्ट्रेस देना माइंड के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि तब ही हम किसी भी चीज़ या सिचुएशन के बारे में अच्छे से एंगल से सोचते हुए उस काम को पूरा करने की सोचते हैं। तो ये स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या होता है? स्ट्रेस आपके बॉडी का किसी भी तरह की मांग या डर को जवाब देने का आपके शरीर का तरीका होता है। जब आपको खतरा महसूस होता हो, चाहे वो वास्तविक हो या कल्पना, शरीर की सुरक्षा प्रणाली यानी डिफेंस मैकेनिज्म एक फास्ट ऑटोमेटेड प्रक्रिया शुरू कर देती है, जिसे स्ट्रेस के रूप में जाना जाता है। स्ट्रेस की प्रक्रिया शरीर की सुरक्षा का तरीका है। यदि ठीक से काम करें तो ये आपको फोकस, एनर्जेटिक और अलर्ट रहने में हेल्प करती है। इमरजेंसी सिचुएशन में तनाव आपके जीवन को बचा सकता है और अपनी रक्षा के लिए ये अतिरिक्त ताकत देता है। लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट के बाद स्ट्रेस हेल्पफुल होना बंद हो जाता है और आपके हेल्थ, मूड, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो बात करते हैं स्ट्रेस से कैसे बचेंगे। स्ट्रेस से बचने के लिए आपको काफ़ी हल्के फुल्के उपाय लेकिन रोज़ाना करने पड़ते हैं। जैसे आपकी कोई हॉबी हो तो आप उसे पूरा करने के लिए दिन का कुछ स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं। वो वक्त आप ऐसा रखें कि जहां आपको जनरली ज़्यादा स्ट्रेस आता हो, जैसे शाम का वक्त। आप रोज़ सुबह में सूरज उगने से थोड़े देर पहले उठ जाएं और अपना मेडिटेशन और एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। आप अपने मन की बातें किसी भरोसेमंद फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर एक अच्छी सी डायरी लिख सकते हैं जिससे आपकी मन की बातें बाहर आ सके। मन स्ट्रेस की जन्मभूमि है। यदि आप इसे हेल्दी रखते हैं तो आपको बैड स्ट्रेस कभी नहीं होगा। अब बात करते हैं सुनोवा के एंटी स्ट्रेस की। तो जानते हैं इस कैप्सूल की खासियतें क्या है। सुनोवा का एंटी स्ट्रेस आयुर्वेद में वर्णित चार सबसे पावरफुल औषधियों से बनाया गया है। ये पूरी तरह से वेस्ट कैप्सूल है जो स्ट्रेस को तुरंत कम करने में हेल्प करती है। ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत लोगों को एग्जाम के वक्त जो एंग्जाइटी होती है, या किसी स्पोर्ट इवेंट से पहले, या किसी खास व्यक्ति को मिलने से पहले जो घबराहट होती है, उस कंडीशन में ये कैप्सूल काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, जैसे स्टूडेंट या फिर कोई क्रिएटिव डेवलपर्स, उन लोगों को ब्रेन बूस्ट के लिए ये काफ़ी काम आती है। तो अब जानते हैं इस कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है अश्वगंधा। जैसे आप जानते ही हैं कि अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा मसल और ब्रेन टॉनिक है। ये वैसे ही बहुत एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी है।
ये स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को तुरंत कम कर देता है और ये नींद के लिए काफ़ी अच्छा है, जिससे अपने न्यूरॉन्स रिजुनेट होते हैं। जिन लोगों में स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती, उन लोगों में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है ब्राह्मी, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव ब्रेन टॉनिक माना जाता है, जो मेंटल फटीग को यानी दिमागी थकावट को तुरंत कम कर देता है और आपको आपके ब्रेन को काम करने में काफ़ी फुर्ती देता है। इसका तीसरा इंग्रेडिएंट है मंडूकपर्णी, जो नर्वस फंक्शन के काम को काफ़ी इम्प्रूव करता है। इससे स्ट्रेस से जो हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल होता है। इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को भी ऐड किया गया है। काली मिर्च इन सभी औषधियों को अपने बॉडी में बहुत जल्दी टारगेट तक पहुंचने का काम करती है और ब्लैक पेपर से बाकी की तीन औषधियां बॉडी में जल्दी एब्सॉर्ब हो जाती है। तो अब जानते हैं इसके डोसेस और इसे लेने का तरीका। इसका एक कैप्सूल आप सुबह और शाम को कुछ खाने के बाद थोड़े पानी के साथ लें। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। वैसे देखा जाए तो इस कैप्सूल का कोई भी नॉन साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में इसे लेने के बाद पेट में थोड़ा सा गैस और डकारे आना ऐसी तकलीफें देखी जा चुकी हैं, जो कि बहुत मामूली तकलीफें हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको स्ट्रेस और सुनोवा के एंटी स्ट्रेस की ज़रूर जानकारी मिल गई होगी। आपको इसके बारे में और कुछ जानना है या फिर इसे डिस्काउंट में ख़रीदना है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप अपने इससे जुड़े सवाल मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जल्दी ही मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।